गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखोगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। आपने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में देख लिया है। एक काम जरूर करना आप कि जैसे ही आप नई वीडियो देखें, इस चैप्टर की पुरानी वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि जब तक आप पुरानी वीडियो इस चैप्टर की नहीं देखेंगे तो आपको नई वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनाया जाता है। ये हमारा डीएनए है और इसका कोई सेगमेंट, एक सेगमेंट मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक ले लेते, इससे हम आरएनए बनाएंगे। डीएनए के एक सेगमेंट से जब हम आरएनए बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए से कंप्लीटली पूरा डीएनए बन रहा था दूसरा, और डीएनए के और इस ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के एक स्ट्रैंड से हम आरएनए का बनाएंगे। देखिए, एक ये वाला स्ट्रैंड ले लें, ये वाली मान लीजिए यहां से यहां तक, और ये स्ट्रैंड है, ये हमारा डीएनए, इसको हमने खोल लिया, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ये हमारा डीएनए, डीएनए के दोनों पार्ट ये है हमारे, एक स्ट्रैंड ये वाला और दूसरा स्ट्रैंड ये वाला। अब बात आती है ट्रांसक्रिप्शन में, क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से हमारा आरएनए बनता है या एक स्ट्रैंड से हमारा आरएनए बनेगा, ये बात आती है। डीएनए के एक स्ट्रैंड से हमारा आरएनए बनता है। जैसे सपोज करें आप, दोनों स्ट्रैंड से हमारा आरएनए क्यों नहीं बनता, एक क्वेश्चन ये आता है। मान लीजिए ठीक है, सपोज कर रहे हैं डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है, लेकिन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बनता, उसके लिए दो कारण है उसके पीछे। पहला रीजन ये है कि मान लीजिए इसकी इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे ये है यहां पर ए जी जी सी टी ए जी सी सी ए टी, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमारे पीछे क्या होंगे, ए के साथ टी आएगा, यहां पर सी सी जी ए टी, क्योंकि ए के साथ टी आता है, जी के साथ क्या आता है सी। तो ऐसे ही अगर हमें एक का दे रखा होगा तो दूसरे का निकाल लेंगे, यहां पर सी आएगा, यहां पर जी आएगा, यहां पर जी आएगा, यहां पर टी आएगा, यहां पर टी आएगा, यहां पर क्या आएगा ए। अब ये हो गए हमारे दो सेगमेंट डीएनए, डीएनए के सॉरी दो स्ट्रैंड हो गए। अब हमें यहां पे आरएनए बनाना, याद रखेंगे आरएनए में भी ए के साथ, यहां डीएनए में ए के साथ टी होता है, तो आरएनए में ए के साथ क्या होगा, वहां पे यू, क्योंकि थायमिन इज एब्सेंट इन आरएनए, यूरेसिल इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ थायमिन इन आरएनए, आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, जहां पर टी आएगा वहां पर तो आरएनए में आ जाएगा यू, बाकी सभी जगह पर क्या आएगा, वहां पर ए के साथ जी आएगा, जी के साथ ए आएगा, बाकी सभी जगह पर सेम चीज रहेगी। अगर हम यहां पर बना रहे हैं इसका स्ट्रैंड बना रहे हैं, तो देखिए आरएनए का ये स्ट्रैंड बना रहे हैं, ए के साथ यहां पर क्या आएगा यू, क्योंकि ए के साथ यू आता है, जी के साथ सी आएगा, फिर जी के साथ सी आएगा, फिर ये हमारा सी है, ये यहां पर देखें गड़बड़ हो गया, जी के साथ सी आएगा, यहां पर जी के साथ सी आएगा, यहां पर सी है जी आएगा, यहां पर टी है, यहां पर ए आएगा, यहां पर ए है तो यहां पर यू आएगा,
ठीक, और यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी आएगा, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी आएगा, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर यू आएगा, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर यू आएगा, यहाँ पर टी है तो टी के साथ क्या आता है, ए आता। तो थायमिन की जगह यूरेसिल कर देंगे, बाकी हमारा एग्जैक्ट रहेगा। अब इस वाले कोड के अकॉर्डिंग इसकी सिंथेसिस हो गई है, अब इस वाले कोड के अकॉर्डिंग एक और बनाएंगे हम, इसकी सिंथेसिस करेंगे। ठीक, अब पहली बार देखिए यहां टी है, यहां पे क्या आएगा, ए आएगा, यहां सी है तो जी आएगा, यहां सी है तो जी आएगा, यहां पे जी है तो यहां सी आएगा, यहां पे ए है तो यहां पे क्या आएगा, यू आएगा, यहां पे टी है तो ए आएगा, यहां पे सी है तो यहां पे जी आएगा, यहां पे जी है तो यहां सी आएगा, यहां पे जी है तो यहां सी आएगा, यहां पे टी है तो यहां पे ए आएगा, यहां पे टी है तो यहां पे ए आएगा, यहां पे ए है तो यहां पे टी आएगा। कुल मिला के बात यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं हम आसानी से निकाल सकते हैं, जहां पर ए होता है वहां आरएनए में यू रख देते हैं और जहां पर जी होता है वहां पर सामने क्या रख देंगे, सी रखेंगे। तो यार एक बार ये चीज याद रखना, डीएनए में ए के साथ क्या आता है, टी आता है और जी के साथ आता है सी। ये तो हमारी किसकी कहानी है, हमारी डीएनए की कहानी है। और यहाँ पे आरएनए में क्या होता है, ए के साथ यू आता है और जी के साथ सी आता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आप याद रखना कि ऐसे ऐसे हमारे बनेंगे। ठीक है, अब एक बात देखिए, हम कोडोन के हिसाब से लेते हैं तो तीन तीन कोडोन के लिए हिसाब से लेंगे, ए जी जी सी यू ए जी सी सी ए ए टी, इस हिसाब से लेंगे हमारी प्रोटीन अलग बनेगी। और अगर हम इस हिसाब से ले रहे हैं यू सी सी जी यू जी ए यू सी जी जी यू यू ए, इस हिसाब से ले रहे हैं तो हमारी अलग प्रोटीन बनेगी। हमारे डीएनए में कौन सी इंफॉर्मेशन है, वो कौन सी प्रोटीन बनाएगा, तो यहाँ पर अगर दोनों स्ट्रैंड डीएनए के आरएनए बनाएंगे, दोनों स्ट्रैंड डीएनए के आरएनए बनाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं, अगर दोनों स्ट्रैंड डीएनए के अलग अलग आरएनए बनाएंगे तो क्या होगा, अलग अलग इंफॉर्मेशन बनेगी, अलग अलग तरह की प्रोटीन बनेगी। अब हमारी सेल को यही नहीं पता चलेगा कि भैया कौन सी प्रोटीन की जरूरत है, तो वहां पर बड़ा लफड़ा हो जाएगा पहली बार। इसीलिए दोनों स्ट्रैंड डीएनए के आरएनए नहीं बनाते हैं, डीएनए का एक स्ट्रैंड ही आरएनए बनाता है, ये बात याद रखना। एक तो कारण ये है कि अगर दोनों स्ट्रैंड बनेंगे तो हमारी प्रोटीन अलग अलग बनेगी, एजीजी के हिसाब से अलग बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यह है कि बिल्कुल सेम नहीं है। देखो यहाँ पे एजीजी है तो यहाँ पे यूसीसी आ रहा है, अलग अलग हो गए। यहाँ पे सी यू ए आ रहा है तो यहाँ पे जी ए यू आ रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग हो गए, तो इसीलिए हमारी प्रोटीन भी अलग अलग बनेगी, पहली बात। दूसरी वाली बात, दूसरा कारण क्या है कि अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हमारे आरएनए बनाते हैं तो आरएनए हमारा आरएनए के दो स्ट्रैंड बनेंगे और दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होंगे, ए के साथ यू आएगा, जी के साथ सी आएगा, जी के साथ सी आएगा, तो क्या होगा, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहां पर बन सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन सकता है कि नहीं यहां पर। तो इसीलिए ये याद रखना कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा हमारा। तो यहां पर जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा तो जब प्रोटीन में प्रोटीन बनाएगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी, तो फिर ये हमारा आरएनए ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन प्रोसेस आप आगे देखोगे क्या होती है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, और उसमें सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए की ही जरूरत पड़ती है, वहां पर डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये कहानी हो गई। तो एक बात याद रखें आप, दो रीजन है उसके, इससे डीएनए का एक स्ट्रैंड हमारा क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए का एक स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा। ठीक, ये कहानी होती है, आगे समझ में। अच्छा, अब दूसरी वाली बात ये देखते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली वाली है प्रमोटर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम कह सकते हैं इनको,
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पहली वाली है प्रमोटर, दूसरी वाली है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरी वाली है टर्मिनेटर। तीन चीज की जरूरत पड़ेगी याद रखना, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और हमारी टर्मिनेटर। ये हमारी तीन चीज की जरूरत पड़ती है किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। तो ये प्रमोटर क्या है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है और टर्मिनेटर क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये आता है हमारा किसी भी डीएनए में तीन चीजों का होना जरूरी। ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। एंजाइम है ये जो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, इसका नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये क्या काम करवाता है, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को करवाता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये देखेंगे आप कि ये प्रोसेस होती कैसे। देखिए सिंपल बात है, मैं डीएनए का यहां पर एक पार्ट ले रहा हूं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब होकर नहीं जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन में एक बात याद रखें, डीएनए का एक सेगमेंट, एक स्ट्रैंड डीएनए का, जैसे ये वाला डीएनए है और आगे भी है डीएनए, डीएनए का एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा, एक स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग हमारी इंफॉर्मेशन जाएगी पहली बार। दूसरी वाली बात, का पूरा डीएनए नहीं जाएगा, वहां पर एक सेगमेंट जाता है डीएनए का ट्रांसक्राइब होके। तो ये वाला हमारा सेगमेंट है, ये जाएगा हमारा ट्रांसक्राइब होके। ठीक है, तो इसमें तीन चीज होनी चाहिए, मैंने अभी आपको बताया है, प्रमोटर है, टर्मिनेटर है और बीच वाला जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। तो ये डीएनए का फाइव एंड है, ये डीएनए का थ्री एंड, तो यहां पर डीएनए का थ्री एंड होना चाहिए और यहां पर डीएनए का फाइव एंड होना चाहिए। पहली बात, यहां पर फाइव एंड की तरफ ये जो है स्पेशल सीक्वेंस होते हैं और इसको हम क्या कहेंगे, प्रमोटर, और प्रमोटर आएगा यहां पर लग जाएगा। ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा 5-2-3 डायरेक्शन में काम करता है, 5-2-3 डायरेक्शन में काम करता है, कौन, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जब 5-2-3 डायरेक्शन में काम करेगा तो इस वाले स्ट्रैंड की पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि जब तो अपोजिट होंगे, 5-2-3 डायरेक्शन में इस वाले की इंफॉर्मेशन ये लेके जाएगा। ठीक, अब ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, फाइव एंड की तरफ प्रमोटर जहां पर स्पेशल सीक्वेंस होता है, ये एंजाइम आएगा स्पेशल सीक्वेंस को पढ़ेगा, हाँ ठीक है ये हमारा स्पेशल सीक्वेंस है, और इससे ये अटैच हो जाएगा। जब ये इससे अटैच हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसमें ये एंजाइम इसके अंदर चला जाएगा और फिर इन सेगमेंट को पढ़ता चलेगा। थ्री एंड की तरफ स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कहां पर होता है, थ्री एंड की तरफ होता है। ठीक, तो ये जैसे ही ये हमारे टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाहर निकल जाएगा।
तो हम यहाँ पर समझने के लिए ऐसे बनाएंगे, टर्मिनेटर ये प्रेजेंट है और हमारा प्रमोटर ये प्रेजेंट है। याद ये रखें, प्रमोटर जो है 5 एंड की तरफ होता है और टर्मिनेटर जो है 3 एंड की तरफ होता है। अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5-3 डायरेक्शन में काम करता है, तो ये हमारा इसके साथ साथ इसको पड़ेगा, क्योंकि 3-5 वाले के साथ ही 5-3 की कॉम्बिनेशन ये बनाता है। एक बात क्लियर हो गई यहां पर। दूसरी वाली बात, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो भी सेगमेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल जीन। यहां से लेकर यहां तक क्या कहेंगे, इसे स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। ठीक, ये है स्ट्रक्चरल जीन। और मैंने बताया था ट्रांसक्रिप्शन में 3 यूनिट होती हैं, प्रमोटर, पहला वाला प्रमोटर है, दूसरा वाला स्ट्रक्चरल जीन है और तीसरा वाला क्या है, टर्मिनेटर। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में ये वाला पोर्शन, ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन का होगा। ठीक, अच्छा, अब ये जो है एंजाइम इस वाले स्ट्रैंड की कॉपी करेगा, तो 5-3 डायरेक्शन में काम करता है, तो 3-5 के साथ चलेगा। जो इस वाले स्ट्रैंड की काम करता है तो इसे हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड हम इसे कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो है कहां पर पाया जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के बिल्कुल सामने वाला है, इन्फॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। अब कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड की तरफ प्रमोटर होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के 3 एंड की तरफ टर्मिनेटर होता। हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां से मूव करता है, प्रमोटर से चालू होता है और टर्मिनेटर तक चलता है। यहां पर इसके सीक्वेंस के बारे में देखें, तो यहां मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, उनके बारे में हम देख लेते हैं, और इसको हम टेम्पलेट क्यों कहेंगे, और फिर नीचे वाले को हम कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहेंगे, इसके बारे में भी हमें इसी से जानकारी हो जाएगी। यहां पर है हमारा ए जी जी पी ए पी सी ए सी जी सी पी ए, कोई भी ले सकते हैं आप। अब यहां पर जो होगा वो कौन सा होगा, ए के साथ टी आता है, जी के साथ सी आता है, सी आता है, यहां पर ए आएगा, यहां पर टी आएगा, यहां पर ए आएगा, यहां पर जी, यहां पर जी, यहां पर सी, जी, ए और टी, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमारी ये बनेंगे कि नहीं। ठीक है, अब ये हमारी स्ट्रक्चरल जीन यहां पर बन गई, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये हमारी स्ट्रक्चरल जीन पर चलेगा, ये हमारा आरएनए बनाता चला जाएगा, 5-3 डायरेक्शन में चलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन लेगा, इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या आएगा, ए यू जी के साथ क्या आएगी, सी और जी के साथ सी, यहां पर ए टी के साथ ए, यहां पर टी के साथ यू, टी के साथ यू, यहां पर ए के साथ यू, यहां पर टी के साथ क्या आएगा ए, और यहां पे जी सी के साथ जी, यहां पे सी के साथ जी सी, सी के साथ जी, यहां पे टी के साथ ए, और ए के साथ क्या आएगा, यू आएगा। ठीक, अब एक बात ये देखिए, ये बन गया हमारा एमआरएनए, ये जो है हमारा एमआरएनए बन गया, यहां पे मैं नीचे लिख रहा हूं, ये हमारा एमआरएनए मैसेंजर आरएनए इसे कहते हैं, या खाली आप फिलहाल आरएनए समझिए, क्योंकि इनको बाद में समझेंगे, अभी मैसेंजर एमआरएनए है, टीआरएनए है, आरआरएनए है, यहां पे क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यहां पे सी सी ए यू ए जी जी सी जी ए यू, ये आ रहा, यही तो है इसके अकॉर्डिंग। ठीक, अब एक बात आती है,
कि टेम्पलेट ट्रेंड के साथ इसने इन्फॉर्मेशन पढ़ी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो इस इन्फॉर्मेशन किसके एग्जैक्ट है, कोडिंग स्ट्रैंड के एग्जैक्ट है, इसलिए हम इसे कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन इसके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जाएगी, बस फर्क ये रहेगा जहां पर टी है वहां पर यू हो जाएगा। देखिए टी सी सी, टी की जगह यू हो जाएगा यू सी सी, ए टी की जगह यू हो जाएगा ए जी जी सी जी ए, और टी की जगह क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट इसके अकॉर्डिंग जाती है, इसलिए हम नीचे वाले को क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इन्फॉर्मेशन किससे पढ़ी जाती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग पढ़ी जाती है, और जाती किसके अकॉर्डिंग है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसी होती है हमारी, कोडिंग स्ट्रैंड की जैसी होती है। ठीक, तो हमारा ये वाला आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन, इसमें इन्फॉर्मेशन हमारी किसके अकॉर्डिंग होती है, कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग होती है। कोडिंग हमारे ट्रांसक्रिप्शन में तीन चीज पाई जाती है, प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, और दूसरी वाली बात क्या है, हमारा टर्मिनेटर है। ये तीन चीजें हमारी पाई जाती हैं। अब ये बात करें कि भाई जीन किसे कहते हैं, जीन की बात करते हैं, जीन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक आरएनए जो जाके वहां पर पॉलीपेप्टाइड बनाए, पॉलीपेप्टाइड का मतलब एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाए, उसको हम क्या कहेंगे, जीन कह सकते हैं। क्योंकि ये आरएनए जाएगा, अब हमारा किसके पास जाएगा ये आरएनए, ये मैसेज एमआरएनए होता है मेनली, और ये एमआरएनए जाएगा किसके पास जाएगा, राइबोसोम के पास जाएगा, वहां पे क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। इसीलिए हमने पहले भी आपको बताया है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है। ठीक है, और ये राइबोसोम के पास जाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक, अच्छा ये बात क्लियर हो गई यहां पर। अब ये चीज देखिए आप कि इसमें मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक एक ये टर्म भी आते हैं। पहला वाला कौन सा है, मोनोसिस्ट्रोनिक, और दूसरा वाला है पॉलीसिस्ट्रोनिक। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक किसमें होता है, यूकैरियोट्स। पॉलीसिस्ट्रोनिक किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में। ठीक, जब प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए हमारा यही तो बनेगा, एमआरएनए ये बन रहा है, जब एक प्रोटीन बनाएगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। देखिए प्रोटीन जो होती है पेप्टाइड से मिलकर बनती है, पेप्टाइड जो होते हैं जब बहुत सारे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, अब पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं प्रोटीन में, अमीनो एसिड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो बहुत सारे अमीनो एसिड या बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। जैसे दीवार होती है, दीवार में ईंटें होती हैं, ईंटें आपस में किससे जुड़ती हैं, सीमेंट चूना वगैरह से जुड़ती हैं, तो सीमेंट चूना को तो हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, पेप्टाइड कहेंगे, और ईंट को हम क्या कहेंगे, अमीनो एसिड कहेंगे। तो अमीनो एसिड जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो जब यहां से यहां तक एक प्रोटीन बना रही है, एक पेप्टाइड चेन बना रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनो का मतलब है सिंगल, एक बना रही है, तो मोनोसिस्ट्रोनिक कहेंगे। ये जो पाया जाता है प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में, ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है। दूसरी वाली बात आती है पॉलीसिस्ट्रोनिक की, पॉलीसिस्ट्रोनिक में ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो आरएनए है वो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रोटीन बनाता है, इसलिए तो इसका नाम क्या दिया गया है, पॉली। पॉली का मतलब बहुत सारी ये प्रोटीन बनाता है। तो ये जो है यहां से यहां तक जो है प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या होंगे, हमारे
पेप्टाइड चेन बनेंगी, इसी को हम क्या कहेंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक कहेंगे। ठीक, पॉली पी का मतलब पॉलीसिस्ट्रोनिक और पी का मतलब प्रोकैरियोट्स, आप ऐसे से लर्न कर सकते हैं। अब दो टर्म और आते हैं, एक्जोन और इंट्रोन, ये क्या होते हैं ये और देखते हैं। एक तो एक्जोन टर्म आता और एक आता इंट्रोन। देखिए भाई, ये हमारा है एमआरए, यहां से जाके ये हमारा एमआरए बन गया स्ट्रक्चरल जीन के अकॉर्डिंग। अब इसमें दो तरह के कोडोन होते, ऐसे कोडोन जो प्रोटीन को सीक्वेंस नहीं कर रहे होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इंट्रोन, और ऐसे कोडोन जो प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, एक्जोन। तो हमारा एक्जोन जो है ये कोडिंग स्ट्रैंड होता है, यानी कोडिंग सेगमेंट होता है, एक्जोन कोडिंग सेगमेंट, यानी कि यह प्रोटीन बनाता है इसका आरएनए का वो सेगमेंट, वो पार्ट जो कोडिंग करता है प्रोटीन को बनाता है उसे हम क्या कहेंगे, एक्जोन। और एक होता है इंट्रोन, इंट्रोन जो होता है यहां पे लिख ले इंट्रोन को नीचे, इंट्रोन नॉन कोडिंग सेगमेंट। अब इसमें मान लीजिए नॉन कोडिंग सेगमेंट क्या है, हमारे ये नॉन कोडिंग सेगमेंट हो गया, ये हमारा नॉन कोडिंग सेगमेंट हो गया, तो ये नॉन कोडिंग सेगमेंट जो है ये टूट के अलग निकल जाएगा और कोडिंग सेगमेंट जो है ये फिर आपस में जुड़ जाएगा। तो हमारा कोडिंग सेगमेंट इसके अकॉर्डिंग क्या रहा, दो रहे, एक तो यूसीसी यूसीसी और जीजीसी जीजीसी, ये हमारे कोडिंग स्ट्रैंड रहे, इनके अकॉर्डिंग हमारी फाइनली क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। ठीक है, तो जिनसे जो प्रोटीन नहीं बनाते हैं उनको इंट्रोन कहते हैं, उनको स्प्लिसिंग प्रोसेस के द्वारा यानी काटने वाली प्रोसेस के द्वारा इनको अलग कर दिया जाता है, और जो एक्जोन होते हैं जो कोडिंग सेगमेंट होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं वो आपस में जो रह जाते हैं पार्ट इंट्रोन से निकाल के उनको हम एक्जोन कहते हैं, और यही हमारी फाइनली प्रोटीन बनाने जाते हैं। जब राइबोसोम पर इसकी प्रोटीन बनेगी ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा, तो हमारे कौन से सेगमेंट रहेंगे, हमारे कोडिंग सेगमेंट रहेंगे, बोले तो हमारे एक्जोन ही रहेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। तो एक्जोन हो गया, इंट्रोन हो गया, पॉलीसिस्ट्रोनिक हो गया और मोनोसिस्ट्रोनिक हो गया, ये ढंग से आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आरएनए के टाइप्स की, कि आरएनए के जो टाइप्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, उन आरएनए टाइप्स की बात करते हैं। ये हमारी सेल है और इसमें है ये हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, यहां से आप इधर देख लेते हैं, ये हमारी सेल है और इसमें हमारा ये न्यूक्लियस, नॉर्मली यही तो होता है। तो हमारे तीन तरह के आरएनए होते, पहला है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम एमआरएनए भी कहते हैं, और दूसरा वाला है हमारा ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, तीसरा वाला है राइबोसोमल आरएनए। चाहे तो आप ऐसे हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, एमआरएनए कह सकते हैं, एमआरएनए, इसे हम टीआरएनए कहते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक,
ये हम कहते हैं। अब एमआरएनए क्या काम करता है? एमआरएनए ये डीएनए का मॉलिक्यूल पढ़ा है, डीएनए पढ़ा हुआ है, डीएनए से इंफॉर्मेशन लेगा एमआरएनए। ये एमआरएनए और इंफॉर्मेशन लेके कहां पे आएगा? हमारा साइटोप्लाज्म बाहर। क्या हमारा ये जो पोर्शन है हमारा, ये है साइटोप्लाज्म, और डी इसके न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लास्ट। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन लेके एमआरएनए बाहर आया, मैसेज लेके आ रहा, मैसेंजर आरएनए इसलिए नाम रखा गया इसका क्योंकि मैसेज लेके आ रहा, मैसेज लेके आ गया बाहर। अब दूसरी वाली बात आती है टीआरएनए की, ट्रांसफर आरएनए की। यहां पर पहले से होता है राइबोसोम, ये राइबोसोम है, राइबोसोम के अंदर जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? राइबोसोमल आरएनए, इसलिए नाम रखा गया राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए किसके अंदर पाया जाता है? राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। ठीक, अब ये बात आती है टीआरएनए की। टीआरएनए इस इंफॉर्मेशन को पढ़ता है एमआरएनए को, और उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड लेके आता है। ये अमीनो एसिड लेके आएगा, ये मान लीजिए पहला एक अमीनो एसिड ले आया यहां पर। अब राइबोसोमल ये यहां पर पड़ा है, ऐसे देखते हैं, ये हमारा राइबोसोम है और एमआरएनए आ गया, ये इंफॉर्मेशन लेके बाहर आ गया, यहां से इंफॉर्मेशन लेके न्यूक्लियस से एमआरएनए बाहर आ गया। टीआरएनए जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो सूचना आई है उसके अकॉर्डिंग यहां पर अमीनो एसिड लगा देता है। टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए। साइटोप्लाज्म में अलग अलग तरह के हमारे अमीनो एसिड पड़े हैं। अब ये टीआरएनए भी अलग अलग तरह के होते हैं और वो अलग अलग तरह के अमीनो एसिड को लाकर यहां पर देते रहते, छोड़ते रहते। टीआरएनए गया और वो किसके अकॉर्डिंग छोड़ेंगे? जो इंफॉर्मेशन यहां पर लिख के आई है, जो सूचना लिख के आई है कि अब गारा लाओ ले आएगा, अब ईंट लाओ फिर वो टीआरएनए ले आएगा, फिर दो अब गारा लेके आओ फिर वो ले आएगा, फिर कहेगा चूना लेके आओ ले आएगा, सीमेंट लेके आओ फिर ले आएगा टीआरएनए। तो इन्फॉर्मेशन जो हमारी एमआरएनए में आई है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टीआरएनए यहां पर अमीनो एसिड लाता रहता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और ये राइबोसोमल आरएनए क्या काम करता है? राइबोसोम क्या करता है? कैटालिटिक की तरह काम करता है, और जो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो ये अमीनो एसिड लेके आया है उनको आपस में जोड़ता चला जाता है, जोड़ता चला जाता है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे है, पहले इससे इससे जोड़ देगा, इसे इससे जोड़ देगा, इसे इससे जोड़ देगा, जोड़ता चला जाएगा, और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब यहां तक हो जाएगी तो कंप्लीट ही अमीनो एसिड को जोड़ देगा राइबोसोमल आरएनए। जो अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से तो क्या बन जाएगी? हमारी प्रोटीन बन जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। समझ में आ गई? ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं जब ये हमारी प्रोसेस राइबोसोम आरएनए से आरआरएनए, ये जो मैसेंजर आरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बना देता है, अमीनो एसिड बना देता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग तरह के आरएनए पार्टिसिपेट करते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अब बात आती है कि जो इन्फॉर्मेशन जो स्टार्ट होती है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, तो तीन पार्ट होते हैं उस प्रोसेस में। पहली वाली जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देखते हैं आप। यहां पर भी क्या होता है? ये प्रमोटर होता है। ठीक है, अब प्रमोटर में यहां पर कौन सा एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो हमेशा 5-3 डायरेक्शन में काम करता है, इधर की डायरेक्शन में काम करेगा, 5-3 डायरेक्शन में काम करेगा।
ठीक है। अब प्रोसेस में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया, प्रमोटर के पास आ गया, उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये भाई प्रमोटर है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने प्रमोटर को आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया। अब यहां पर इसे अंदर जाना है इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को। तो क्या करेगा, यहां पर एक फैक्टर आता है और ये मान लीजिए ये है हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये वाला ठीक। यहां पर ये फैक्टर आता है जिसका नाम क्या है, सिग्मा फैक्टर। ये एक छोटा सा फैक्टर आएगा, सिग्मा फैक्टर है ये। ये स्ट्रक्चर जो ये किसका है, सिग्मा फैक्टर का। सिग्मा फैक्टर आएगा और इस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को अंदर पहुंचा देगा। और ये अंदर पहुंचने के बाद जैसे ही ये अंदर पहुंचा, ये कंडीशन हुई, तो अंदर हमारा कौन सा सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर, फिर ये बाहर निकल जाता है। तो ये बाहर निकल जाएगा, यहां पर आ जाएगा और ये बाहर निकल गया। देखिए ये बाहर निकल गया, यहां पर आ गया। अब इसका कोई काम, इसका काम क्या था कि यहां से प्रमोटर से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अंदर भेज देना, डीएनए के डबल स्ट्रैंड के अंदर भेज देना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन। तो पहली प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की, पहली वाली जो प्रोसेस है इनिशिएशन। इनिशिएशन प्रोसेस ये हमारी पहली वाली प्रोसेस हो गई। अब बात आती है दूसरी वाली प्रोसेस, जिस दूसरी वाली प्रोसेस में क्या आएगा, तो ये हमारा जो अभी आया था सिग्मा फैक्टर, मैं बात कर रहा था सिग्मा फैक्टर को हम इनिशिएशन फैक्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस को स्टार्ट करवा रहा है। इनिशिएशन का मतलब चालू करवाना, स्टार्ट करवाना, तो ये इनिशिएशन फैक्टर भी हम इसे सिग्मा फैक्टर को कह सकते हैं। अब ये हमारा पहुंच गया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसके अंदर। अब इसके अंदर पहुंचेगा तो इसकी इंफॉर्मेशन ये पढ़ना चालू कर देगा और एमआरएनए मैसेंजर आरएनए यहां पर बनाना चालू कर देगा। तो ये जा रहा है, ये जा रहा है पहुंचते पहुंच, ये जा रहा है ऐसे और ये पहुंच गया। अब हमारा कौन, ये है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये है, ये बनाता क्या जा रहा है, एमआरएनए। जब एमआरएनए ये बनाता चला जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एलोंगेशन प्रोसेस। एलोंगेशन प्रोसेस ठीक। एलोंगेशन प्रोसेस क्या है, एलोंगेशन प्रोसेस ये है कि यहां से ये एलोंगेट करता है एमआरएनए को बनाता है। और जैसे ही ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टर्मिनेशन वाले रीजन पर जाता है, तो यहां पे जाके ये रुक जाएगा। अब भैया इसे बाहर निकालना पड़ेगा, तो जब इसे बाहर निकालना पड़ेगा तो एक फैक्टर आता है जिसका नाम है रो फैक्टर। रो फैक्टर इसे बाहर निकालता है, तो हमारा इससे रो फैक्टर जुड़ेगा। यहां से ये है हमारा रो फैक्टर, ठीक है, रो फैक्टर पी जैसा होता है, रो फैक्टर जुड़ेगा और इससे रो फैक्टर इसे बाहर निकाल लाएगा। किसको बाहर निकाल लाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, ये हमारा रो फैक्टर बाहर निकाल लाएगा, ठीक है। ये है आरएचओ, रो फैक्टर, ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे, दूसरी वाली बात है टर्मिनेशन फैक्टर भी कहते हैं। तो ये टर्म पहला वाला जो है इनिशिएशन चालू करवा रहा है उसे इनिशिएशन फैक्टर कहेंगे, और दूसरा वाला जो रो फैक्टर है उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेशन फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो तीसरी वाली जो बात आती है वो कौन सी आती है, पहली वाली बात तो ये हो गई हमारी इनिशिएशन, दूसरी वाली बात जो थी हमारी वो कौन सी थी, हमारी एलोंगेशन, और लास्ट वाली जो होगी वो क्या होगी, हमारी टर्मिनेशन, यानी कि उसने टर्मिनेट कर दिया, रोक दिया, ठीक है। ये हमारी तीन बातें होती हैं। तो तीसरी वाली जो प्रोसेस है वो हमारी कौन सी है, टर्मिनेशन। इस तरह की हमारी जो प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन की होती है, पहली वाली इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन चालू हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, दूसरी वाली एलोंगेशन,
एमआरएनए बन रहा है। तीसरी वाली है टर्मिनेशन। अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए बना के बाहर निकल रहा है विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर, रो फैक्टर की हेल्प से। ठीक, ये बात हो गई हमारी। ये प्रोसेस थी किसकी, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब एक बात आती है यहां पर कि ये है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा डीएनए ऐसे ही पड़ा होता है। यहां पर ऐसा तो नहीं है कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए। ठीक, अब क्या होगा, यहां से हमारा कौन जाता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इंजन मान ली, यहां से चल दिया और यहां से ऐसे ऐसे जा रहा है, वो ऐसे ऐसे जा रहा है और वो हमारी ये क्या बना रहा है, एमआरएनए बना रहा है, ये एमआरएनए बनाना चालू कर देगा। एमआरएनए बना रहा है, कौन बना रहा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इंजन। कौन सी प्रोसेस से बना रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बना रहा है, यही है ना। अब ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बना रहा है, अब ये बात देखिए, अब के एमआरएनए बन गया, अब यहां पर ये प्रोसेस तो चलती रहेगी साइड में, यहां पर कौन आएगा, राइबोसोम आएगा, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए साथ साथ यहां इंफॉर्मेशन देता चला जाएगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, तो हमारी क्या है, यहां पर प्रोटीन बनती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और ट्रांसलेशन प्रोसेस वो साथ साथ हो सकती है। ठीक है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी साथ साथ हो सकती है और ट्रांसलेशन प्रोसेस भी साथ साथ हो सकती है, क्योंकि इसके ये जो न्यूक्लियस पाया जाता है, ये न्यूक्लियोइड पाया जाता है, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती और हमारा इसके साथ ही पाया जाता है राइबोसोम्स वगैरह और वो अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है दूसरी वाली प्रोसेस की, दूसरी वाली सेल की बोले तो यूकैरियोटिक सेल की बात आती है। यूकैरियोटिक सेल का हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल का, और यूकैरियोटिक सेल में ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा ये डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहां से ये यहां से चालू करेगा और यहां पर खत्म करेगा, तो ये क्या बनेगा, हमारा एमआरएनए, एमआरएनए बनेगा। अब एमआरएनए बाहर निकलेगा इससे, जब ही क्या बनाएगा, हमारा प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि हमारे राइबोसोम्स तो बाहर हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। तो हमारी यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोले तो डीएनए से एमआरएनए बनना और ट्रांसलेशन प्रोसेस एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ये अलग अलग टाइम में होती है, एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि बीच में क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, इसीलिए अलग अलग टाइम में होंगी। यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही साथ दोनों प्रोसेस चल सकती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक, तो अब हम थोड़ा यूकैरियोटिक के बारे में और डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यूकैरियोटिक के कहां, यूकैरियोटिक में जो पाए जा रहे थे, हमारा ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यही तो ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है। तो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तीन तरह के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, या फिर हम कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये कह सकते हैं। तो तीन तरह के एंजाइम पाए जा रहे हैं जो ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये कौन कौन से आरएनए बनाता है ये देख लेते हैं, क्योंकि हमने बताया, देख लिया आरएनए तीन तरह के होते हैं, आरएनए जो बन रहा है टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए जो है। तो यहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए बनाता है,
ये क्या बनाता है आर आर एन ए, ये आर आर एन ए बनाता है। आर आर एन ए जो है ये कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। आर आर एन ए फर्दर तीन तरह के होते हैं, एक तो हम क्या कहेंगे 28 एस आर एन ए, 28 एस आर एन ए, चलो एक शब्द ले लेते हैं 28 एस आर एन ए आर आर एन ए होते हैं, और एक 18 एस आर आर एन ए होते हैं, और एक होते हैं 5.8 एस आर आर एन ए। ये तीन तरह के आरएनए होते हैं, याद रखें आरएनए का होता सब में पीछे 8-8 आ रहा है, इसलिए बड़े ठाट से रहते हैं। आर आरएनए कहां पर पाए जाते हैं, आरएनए राइबोसोम में पाए जाते हैं, राइबोसोमल आरएनए इसकी फुल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ये क्या काम करवाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ये क्या काम करवाता है, ये बनाएगा हमारा एमआरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है, जो किससे डेवलप होता है हेटरोजीनस न्यूक्लियर एचएनआरएनए से मैच्योर होकर हमारा क्या बनता है एमआरएनए बनता है, हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए से हमारा क्या बनता है मैच्योर होकर एमआरएनए बनता है, मैं बताऊंगा आपको। तो एमआरएनए कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनाता है। अब बात आती है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये क्या बना रहा है भैया, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये बनाता है टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए 5 एस आर एन ए और एस एन आर एन ए ये बनाता है, 5 एस आर एन ए एस एन आर एन ए यानी स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए ये बनाता है, कौन आर एन ए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये इनके सेपरेट सेपरेट काम हो गए, आर एन ए पॉलीमरेज थर्ड यानी इनका पूरा क्या था डीएनए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरेज, तीन तरह के होते हैं जो अलग अलग तरह के आर एन ए बनाते हैं। अब ये बात आ जाती है कि जो ये ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा था ये कहां पर हो रहा था, हमारा न्यूक्लियस में हो रहा था, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, ठीक ये न्यूक्लियस में हो रहा है। अब ये काम क्या करता है भैया, यहां पर क्या काम होगा, ये मान लीजिए हमारा क्या पड़ा है यहां पर डीएनए पड़ा है, ये हमारा डीएनए पड़ा हुआ है, डीएनए से क्या बन रहा है हमारा यहां पर ये आरएनए बनेगा, ये आरएनए कौन सा बनेगा हमारा ये देखते हैं। अभी ये हमारा हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बनेगा, इसमें हमारी मैंने आपको बताया था दो होते हैं, एक हमारे एक्सोन होते हैं और एक होते हैं इंट्रोन, इंट्रोन नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इंट्रोन ये है ऐसे ऐसे इसमें पड़े होते हैं इंट्रोन, ठीक ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है इंट्रोन जो है। अब क्या करेगा, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है बेकार की चीजें तो कोई साथ नहीं रखता, तो ये एच एन आर एन ए बेकार की चीजें क्यों साथ रखेगा, इसलिए इन इंट्रोन्स को काटने की प्रोसेस के द्वारा अलग कर दिया जाता है यानी कि स्प्लिसिंग प्रोसेस के द्वारा। अब इनको क्या करेंगे, ये है हमारे कौन इंट्रोन्स, ये इंट्रोन्स हैं, ये भी हमारे इंट्रोन्स हैं। अब इनको स्प्लिसिंग प्रोसेस करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लिसिंग, स्प्लिसिंग प्रोसेस ऐसे इकट्ठे हुए पहले, फिर ये इनको काट काट के अलग कर देते हैं और ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या बनाया है, अब ये हमारा एक्जोन एक्जोन वाला रीजन आ गया, ये हमारा एक्जोन वाला जो रीजन है वो हमारा कौन सा आ गया, ये वाला आ गया है, और ये ऊपर वाले जो इंट्रोन है ये अलग कर दिए जाएंगे, ये अलग हो गए, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से इंट्रोन वाले रीजन हमारे इस आरएनए से अलग अलग किए जा रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्प्लिसिंग।
आरएनए स्प्लिसिंग प्रोसेस कहेंगे जिससे अलग कर दिए गए। अब बात आती है एक्जोन, एक्जोन बचे। अब ये क्योंकि आरएनए जो है भैया रिएक्शन कर सकता है, मैंने आपको बताया था पहले डीएनए और आरएनए में मैं जब पढ़ा रहा था कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा बढ़िया है, तो आरएनए अनस्टेबल है, ये किसी से रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए इसको दोनों साइड से बांध देते हैं ऐसे कर, ये इसको दोनों साइड से हम बिल्कुल इसको बांध देंगे। बांधने का मतलब है कि इससे यहाँ पर कुछ लगा देंगे और यहाँ पर कुछ लगा देंगे, जब दोनों साइड से कुछ लग जाएगा तो ये किसी से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो लगा देते हैं इस साइड में वो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा देते हैं, मिथाइल एम ग्वानोसिन तीन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, मैं इसे बड़े में यहाँ पर लिख रहा हूँ एम मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट के तीन मॉलिक्यूल यहाँ पर लगा दिए और 200 से 300 रेजिड्यू जो 200 से 300 तरह के मेथिलेट एडिनिलेट एडिनिलेट की चेन यहाँ पर लगा देते हैं, एडिनिलेट है यहाँ पर और एडिनिलेट की चेन हम यहाँ पर लगा देते हैं, कितनी लगभग 200 से 300 चेन 300 वाली लगा देते हैं एडिनिलेट। तो हम ये क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पॉली, पॉली का मतलब मैनी, ए टेल, पॉली ए टेल यहां पर लगा दी। जब पॉली ए टेल यहां पर लग गई और मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे यहां पर लग गए, तो अब ये जो है आरएनए किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, तो यहां से आरएनए डेवलप होके अब हम इस आरएनए को हम क्या कहेंगे, एम आर एन, एम आर एन इसे कहेंगे और ये बाहर इसकी तरफ निकल आएगा, यानी न्यूक्लियस से बाहर निकल आएगा, किसमें निकल आएगा, साइटोप्लाज्म में निकल आएगा, ठीक। साइटोप्लाज्म में निकलने के बाद ये अपनी आगे की प्रोसेस है जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, जिससे यहाँ पर राइबोसोम आएगा, राइबोसोम से मिलकर टीआरएनए आएगा और इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या बन जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी, ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी। तो ये साइटोप्लाज्म में आएगा, तो ये वाला जो था हमारा, ये वाली जो कंडीशन थी ये कौन थी, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए में दो चीजें हुई, पहली वाली चीज स्प्लिसिंग हुई, स्प्लिसिंग से क्या हो गया, यहां पर स्प्लिसिंग से हमारे इंट्रोन्स बाहर निकल गए, एक्जोन एक्जोन रहे, तो एक ये घटना हुई। दूसरी घटना क्या है, हमने इसके दोनों जो एंड हैं दोनों एंड को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, किसी से रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। एक एंड में मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा दिया और दूसरे में एडिनिलेट के 200 से 300 जो है पॉइंट लगा दिए इसके, यानी कि पॉली एडिनिलेट चेन लगा दी, तो अब ये किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता। तो अब एच एन आर एन ए में दो परिवर्तन हुए, एक तो दोनों सिरों को बांध दिया और दूसरी वाले बात है स्प्लिसिंग करने के बाद जो बना है एच एन आर एन ए, अब उसको हम क्या कहेंगे, एम आर एन ए कहते हैं। एम आर एन ए बाहर निकल आता है, एम आर एन ए को कौन बनाता है, आर एन ए पॉलीमरेज सेकेंड बनाता है, देख रहा है आर एन ए पॉलीमरेज सेकेंड बनाता है। तो ये हमारी घटना थी, इसकी थी प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की ये घटना थी।